तुम्हारे घर का खाना बेस्ट है। जब किधर है तुम्हारी नई बहू? वहीं भाई, अपने कमरे में सारा वक्त सना के साथ लगी रहती है। ना घर की फिक्र है, ना घर के कामों की, बस अपनी धुन में मगन रहती है। सच बोलूं, मुझे अब यहाँ आने से डर लगता है। क्यों भाई, तुम क्यों डरने लगी? ये मेरा घर है, तुम्हारी बहन का घर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी आ गए आज आप। इफ्रा कहाँ? अपने कमरे में होगी। बुलाओ उसे। क्या कहना है आपने उसे? जो भी कहना है मुझे बताएं। मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन के लिए उसे उसके माँ बाप के घर भिजवा दीजिए। सना को मैं संभाल लूंगी, और तलाक का डरावा दीजिए उसे। क्या हो गया तुम्हें? जो मुंह में आया कहीं चली जाती हो। बुलाओ उसे। जी अच्छा, बुलाती हूँ। यहाँ पर उनसे भेजो मेरे पास। जी। इतना गुस्सा किस बात का? इफ्रा की बदतमीजी पर। इस कदर हंगामा किया उस लड़की ने कि हमारे दादा की जायदाद में से बाप का हिस्सा क्यों नहीं? बात यहाँ तक पहुँच गई है, उसकी जुरत कैसे हुई? बहुत चालाक लड़की है ये। यहाँ तक कि मेरे राशिद को भी आगे लगा लिया उसने। तो तुम दोनों को क्या हो गया है? वो आधे छटांग की लड़की के सामने क्यों भीगी बिल्लियां बन गए हो? सना की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं मैं और मेरा बेटा उसे। सब जाकर पूछो तो सही, क्यों बुला रहे हैं? ताया बू, आपने बुलाया? हाँ। लो ये फाइल फैयाज को पहुंचा दो। मैंने फैक्ट्री, जमीन, आबाई घर सब कुछ उसके नाम कर दिया। पिछले 24 साल से जो धोखे से अपने नाम किया था वो, और जो बाकी रह गया वो, ये सब करके अपने गुनाहों की तराफी करने की कोशिश की। मेरी बात पूरी नहीं हुई बेटा। अभी बाप के जाने के बाद घर में बड़ा था, मैं बाइख्तियार था, अकल कुल समझ बैठा था खुद को, लेकिन यह एहसास नहीं हुआ कि बड़े होने की जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। छोटे भाई का हक मारते हुए जरा भी एहसास नहीं हुआ कि जिंदगी हमेशा की नहीं है। मरना भी होता है, मरने के बाद जवाब भी देना पड़ता है। मौत को इतने करीब से देखा तो पता चला कि मौत तो हर वक्त हमारे ताकुब में रहती है। बस उसी लम्हे ये फैसला कर लिया कि सब हिसाब किताब सही करना होगा, ताकि आखिरत में भी हिसाब देने में आसानी हो। क्या मैडम, इससे पहले कि वो अपनी दुकान ना बेच दे। क्या है तुम्हारे हाथ में ये फाइल? कहां लेकर जा रही हो? कहीं फिर तो ये फाइल चोरी करने का इरादा नहीं है? इसका जवाब तो आपको ताया अबू देंगे। फिलहाल तो मैं अपने घर जा रही हूं ताकि हकदार को उसका हक दे सकूं।